हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से स्वस्थ है, सुंदर है एंड दशहरा बहुत अच्छे लोग सेलिब्रेट भी करे हैं। तो ये है सप्तमी का दिन। मॉर्निंग में मेरा बहुत ज्यादा पेन हो गया एंड मैं लगा रही थी मेडिसिन एंड यहाँ पे देखो स्कूबी बाबू के कारनामे। तो यही से शुरू होता है हमारा वीडियो। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। स्कूबी बाबू बाहर नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे बोलो? अभी बाहर नहीं जा रहा है, अभी कूल टायर्ड। टॉयलेट करो, चिकन खाओ, कुबा काम, फीलिंग टायर्ड, कुबा आ जा, चलो, जाओ चिकन खाएगा, कुबा चिकन खाएगा। इसके लिए स्कूबी फीलिंग टायर्ड बिकॉज वो इतना बाहर नहीं जाता है ना, वो बहुत शांत किस्म का है, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रहे थे जो कि फर्स्ट डे हम लोगों को उतना समझ में नहीं है। हम लोग रेडी होके हम लोग आज सप्तमी का दिन एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन स्कूबी बाबू को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। इतना दिमागी डॉग है, आप सोच सकते हो। उसने दिमाग लड़ाया कि हमको घुमा के घर पर रख के जाएगा, तो हम इन लोगों के साथ ही जाएगा। इस तरीके से है। तो जो भी हो हम लोग घूम के आए, मतलब पंडाल तो बहुत अच्छे से दर्शन करे, लेकिन वही स्कूबी बाबू को प्रॉब्लम हो रहे थे इसलिए घर पे आए, फिर खाना बनाए, फिर घर का बना हुआ खाना जो कि विदाउट राइस था, डालिया खिचड़ी एंड कैबेज की सब्जी, बैंगन फ्राई, ये सभी था हमारा खाना। मतलब 3 डेज सप्तमी और ये बंगाली हिसाब से जो 3 डेज राइस नहीं खाए हैं, इस तरीके से चले हैं। स्कूबी खाना खाया, फिर देखो आँख उठा के भी नहीं देख रहा है, मतलब वो पूरा नींद से, बंगाली में बोलते हैं ढूल रहे थे, पूरा नींद में ही जा रहा था। ऐसा ही उसका हालत है, बार बार बुलाओ तो भी वो उठ नहीं सकता। तो जो भी हो हम लोग इवनिंग में रेडी हो चुके हैं एंड हम क्या करें कि गाड़ी नहीं लिए, ऑटो करके घूमेंगे, क्योंकि डॉग लोग ना ओपन एयर जब होता है ना बहुत हवा देता है, तब उनको बहुत अच्छा लगता है। देखो उसको भी कितना खुश है, मतलब हम पहले समझ नहीं पाए इसको भी को एक्चुअली क्लॉस्ट्रोफोबिक, मैं बहुत पर बहुत वीडियो में बोलती हूँ कि उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक रहना बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत ही एयरी जगह वो पसंद करता है एंड गाड़ी में जो सील चढ़ता है ना पूरा कांच बंद हो जाता है। आई डोंट नो वाई स्कूबी को बहुत सफोकेशन होता है, तो इसलिए हम भीड़ जगह पे लेके गए, लेकिन स्कूबी ने कोई प्रॉब्लम नहीं किया एंड स्कूबी होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पे स्कूबी वहाँ पे भीड़ चला आता है। उतना वीडियो तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन पंडाल में एंट्री करते करते रिवू के पापा अटक जाते हैं, हम लोग सामने जाके दुर्गा माँ को दर्शन करते हैं, रिवू के पापा अटक जाते हैं क्योंकि बहुत लोग स्कूबी को घेर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा एम्बियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे तो इस बार नया नया बहुत ही अच्छा लगा सब कुछ एंड रिवू के पापा को भी बहुत अच्छा लगा, तो थोड़ा बहुत क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ ग्लिम्पस शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जो लोग बैंगलोर से बाहर से देख रहे हो, बैंगलोर से हो, उन लोगों को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बहुत लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब होता है ना, तो वो पुरानी जगह को मिस करता है, जैसे मैं भुवनेश्वर को, मेरा नेटिव प्लेस कोलकाता को, वो सब मिस करती हूँ इस तरीके से। तो दुर्गा माँ एक मतलब बहुत अच्छे से है ना, थीम बहुत मुझे अच्छा लगा, इतना सिंपल, इतना सोफिस्टिकेटेड एंड एम्बियंस, मुझे पूरा मतलब बोल दे कि हमारा नेटिव प्लेस का ऐसे वाइब आ रहे थे। इसको भी अब देखो कितना खुश देखो। फ्रेंड से तो हाई बोलो प्रचुर बंधु फैमिली हाय एंड बाय करते करते थोड़ा लेट ही जा रहे थे एंड इस दुकान के सामने आके हमारा ऑटो रुका, जहाँ पे बहुत सारे इंडोर प्लांट थे बहुत खूबसूरत। मैं कहाँ जाऊँ सोच नहीं पा रही थी एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लिम्पस लेके आई हूँ, मेरे बताने से ज्यादा है, आप लोग देख लो अगर दिखने में अच्छा लगेगा तो। Thank you.
हर एक पैंडल में जो फंक्शन हो रहे थे ना, जो एंजॉयमेंट हो रहे थे, वो काबिले तारीफ है। एंड हम लोगों को वो चीज़ बहुत बहुत अट्रैक्ट करती है, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे वो इवनिंग में हो। इतना फंक्शन इतना अच्छा लग रहे थे, वाइब की क्या ही बोले। एंड स्कूबी ऑल्सो एंजॉइंग ए लॉट। लेकिन वहाँ पे बारिश आ गया था तो हम घर आ गए हैं। एंड वहाँ पे पराठे एंड सब्जी जो मैंने बनाए थे वो हम खा रहे थे। स्कूबी बाबू को देखो, वो इतना एनर्जेटिक हो गया है, मेरे को खाना खाने नहीं देगा। वो चिकन नहीं खाया, वो ऑब्वियसली चिकन खाया। थोड़ा बहुत स्वीट्स भी हमने उनको दिया, लेकिन उसका जो आदत है ना, आज थोड़ा हेल्थ अच्छा है इसलिए वो मेरे से ही खाएगा। मतलब ऐसा वो डेली करता है, डेली मैं वीडियो नहीं करती हूँ। मैं जो भी खाती हूँ, मतलब बंगाली में बोलते हैं लेड़ो बिस्कुट भी मैं खा लूँगी, तो वो भी इसको भी खाएगा। इसको भी का एक है कि हमको नहीं दिया, मतलब हमको प्यार में कमियाँ महसूस होते हैं स्कूबी को। सब कैसे दिख रहा है बेटा देखो, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था कि स्कूबी कैसे मेरे खाने को खाने पे वो अपना कब्जा जमाता है, तो शॉर्ट्स भी आप देख सकते हो, वैसे ही करता है वो। हम सारा दिन मूड पे, पूरा दिन ही हमारा मूड बना हुआ है जय दुर्गा माता। तो हम लोग चले आए हैं बिकॉज की वेदर खराब थे, वहाँ पे बारिश हो रहे थे और वीडियो वीडियो कुछ नहीं करे, जल्दी से चले आए। तो जो भी हो, उसको भी हो, आने के बाद थोड़ा सा वीक हो गया था। कहाँ पे सो गया? हाँ वहाँ पे सोया, मेरे पापा है वहाँ पे किचन में। यहाँ पे चला आया, जस्ट मेरे को देखा यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे चला आया। साड़ी जो है अभी फोल्ड करने पड़ेंगे, हमारे घर पे रखने के लिए जगह नहीं है ना, सो व्हाट टू डू, करना ही पड़ेगा आज। और खाना पीना रिकॉर्ड नहीं कर, क्या चेक हो रहा है? चेकिंग क्या हो रहा है इसको भी? नाका चेकिंग किस बात का? ना ये अपना स्मेल ढूंढ रहा है, मैंने कहाँ पे बैठा था? क्या कर रहा है सोचो, अभी नहीं जाएंगे, अभी किधर भी नहीं जाएंगे। देखो देखो सो गया है। कुबा कुबा काम काम काम, कुबा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ कुबा। देखा व्हाट इज दिस, अजय अष्टमी का दिन। आज भी हम रेडी होके जा रहे हैं मंडप पे, अष्टमी अंजलि देंगे, लेकिन हम थोड़ा लेट है, आई डोंट नो हम लोग अंजलि दे पाएंगे कि नहीं। तो चलिए हम मंडप पे पहुंच गए हैं, कितना भीड़ है देख ही सकते हो। बंगाली किधर भी जाओ, जहाँ पे भी दुर्गा पूजा होंगे वहाँ पे बंगाली होंगे ही होंगे। एंड इतना मतलब इतना होंगे तो मुझे भुवनेश्वर से भी ज़्यादा लगा कि यहाँ पे बंगाली ज़्यादा है। रिबू के पापा भी वही बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वाइब भी हाई है, मज़ा भी ज़्यादा है, इन्जॉयमेंट तो ज़्यादा ही है। एंड बहुत ज़्यादा बंगाली है, मतलब इतना तो उड़ीसा में है ही नहीं, मैंने भुवनेश्वर में भी कभी नहीं देखा। जहाँ पे जाओ भीड़ लगे हुए हैं। एंड हो रहे थे अष्टमी महाअष्टमी दैट इज खेलते सन्धि पूजा रंजन। एंड सन्धि पूजा ही एक्चुअली हो रहे थे, 12:12 बजे हुए थे तो वहीं तक टाइम था। एंड हम लोग वहाँ पर खड़े रहे, पूजा दिए, मतलब अंजलि दिए, पूजा देखे, बहुत इंजॉय करे, मतलब फुल प्लेजेंटली एकदम वाइब भी था अलग टाइप का। संधि पूजा के बाद पूजा अंजलि हमारी हो चुकी है, अभी शांति जल वो सब देंगे। एंड आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, जबकि अब समझ सकते हो 1:30 बज चुके हैं, अभी तक इतने बंगालीज है लाइन में जो लोग अंजलि दिए हैं। तो बंगाली बहुत इमोशन जुड़े हुए दुर्गा पूजा को लेके, बहुत दिल के करीब होते, तो हम ये सब करें एंड उसके बाद कुछ से मिले। एंड आप लोगों से भी मिल रहे हैं डेली बेसिस पे। आई होप मेरा थोड़ा बहुत जो कैप्चरिंग रेगुलर लाइफ के साथ स्कूबी के साथ हम कैसे ये फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों को अभी तक अच्छा लग रहा है। एंड अच्छा लग रहा है तो क्या करना पड़ता है? सब्सक्राइब तो करने पड़ते हैं ना, दोस्त बनाने पड़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए होंगे, एंड नहीं करे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए अभी स्कूबी के लिए, सब्सक्रिप्शन तो हो ही सकता है। इसके बाद थोड़ा फोटो सेशन करे एंड देयर आफ्टर हम कुछ जूस पिए कि चाय पिए। ये है बंगाली का इमोशन का और एक नया स्टेप। और एक बार अंदर गए, रिबू के पापा दर्शन नहीं करे थे, स्कूबी को संभाल रहे थे एंड पूजा फ्लावर स्वीट्स ये सब लाने गए थे, तो बहुत उनके लिए प्रॉब्लमेटिक था थोड़ा एडजस्ट करना। जा रहे हैं उसमें ओनियन है तो वो नहीं लेंगे। ये है इंदिरा नगर सोशियो कल्चर एसोसिएशन एंड ये है पब्लिक प्ले ग्राउंड राहुल दबीर गेट। इस जगह पे आए थे हम लोग, यहाँ पे पूजा सेलिब्रेट करें तो पूछा। आई मीन
दादू के तो घूरते नहीं जाते अभी तो नानी तुम ये तो बंधुदेर साथे एंजॉय करो एसो गो रान हाँ गो गो काम काम तो देखा स्कूबी जहाँ पे मैं रहूंगी वहां पे बिंदास एकदम शांत बच्चे की तरह पड़ा रहेगा। ऐसा ही है स्कूबी के साथ मेरा स्पेशल रिलेशन। हुआ हुआ बेस्टी रिशु ऐसे उठो। यस अभी गोदी में उठ रहा था, देखा खाली कैमरा ऑन कर दिया। प्रेस्टीज इशू की वजह से खुद चल के जा रहा है। देखो 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 दिखा दिखा, नहीं तो रिबू के गोदी में जा रहा था। ये है हमारा अष्टमी का भोजन जो रिबू के पापा को बहुत फेवरेट है एंड वो वहाँ से लाए है। दैट इज लूची, आलू दम, कोराई शुटी, कोचूरी, दही विदाउट ऑनियन गार्लिक, थोड़ा फुचका एंड स्वीट तो था ही था। एंड देर ऑफ फिर से हम इवनिंग में गए प्रतिमा दर्शन के लिए एंड वही एंजॉयमेंट विथ स्कूबी। लेकिन कार लेके गए थे क्योंकि लास्ट डे बारिश की वजह से हम लोग ठीक से एंजॉय करके वो नहीं पंडाल बहुत बहुत सारे पंडाल विजिट नहीं कर पाए थे। दैट्स व्हाई आज गाड़ी लेके जा रहे हैं एंड आज पूरा लेट ही जा रहे हैं। विद अराउंड 9 PM हम लोग घर से निकले थे एंड आज हम जा रहे हैं सरजा पूरा, तो बहुत दूर होगा अराउंड 22 किलोमीटर्स हमारे घर से। तो चलो वहाँ का कुछ प्रतिमा दर्शन करेंगे देन इस वीडियो को यहीं पे एंजॉय करेंगे एंड आई होप लोगों वीडियो अच्छे लगेंगे एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारी दोस्ती बनी रहे।